हेलो यस सर, फोटो की है आपने मोबाइल की लोकेशन नहीं बताई, देखने आ रहा था। लोकेशन नहीं बताया था, वो आपको ग्वालियर आना होगा। देश भर में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, कभी बैंक फ्रॉड तो कभी एक कॉल से अकाउंट खाली होना। ऐसी ही एक घटना सामने आई है, ऑनलाइन वेबसाइट पर एक फोन के विज्ञापन को देखते हुए एक व्यक्ति ने खरीदने की इच्छा जताई, जिसके बाद उस विज्ञापन को डालने वाला खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर फोन खरीदने के पैसे जमा करने की बात करता है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने के बाद अब जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसे में खरीदार द्वारा उस साइबर ठग को समझाइश दी जाती है। ठग का कहना है कि वह सच में आर्मी जवान बनना चाहता है, लेकिन हर पड़ाव में घूस की मांग की जाती है। गरीब वर्ग किस तरीके से नौकरी करेगा अगर हर तरफ हर कदम पर रिश्वत की मांग होगी। उसका कहना कहीं हद तक सही भी था। हेलो हेलो यस सर, फोटो की है आपने मोबाइल की लोकेशन नहीं बताई, देखने आ रहा था। लोकेशन नहीं बताया था, वो आपको ग्वालियर आना होगा। ग्वालियर मुरा रोड चमन बटालियन में, इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ, मुरा रोड आर्मी कैंट में मेरा ड्यूटी है। अच्छा जी सर, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हो? है? आप कहाँ से हो? इंदौर से। ठीक है, तो वो कब आओगे? अब आप ना है जो मोबाइल लेने तो मैं आप बोल देते हैं। देखो, अगर देखो आपने फोन का लुक देख लिया है, फोन पसंद है आपको? हाँ वो तो है। तो आपके होम एड्रेस में मैं डिलीवरी करा दूंगा। आर्मी ट्रांसपोर्ट से 24 आवर्स का टाइम होता है। अगर हो सकता है अगर आप अभी बुक करा लोगे आज डिलीवरी जा, नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाएगा मोबाइल का। एक पैसा नहीं डालूंगा उससे पहले। हाफ अमाउंट पहले डालना होगा। अरे बेटा मेरी बात सुनो, जैसे तुम कर रहे हो ना ये बहुत पहले करके छोड़ गया पिछले साल लॉकडाउन में। अच्छा तुमने करके छोड़ दिया, कितना कमा लिया? कितना कमा लिया? कमा नहीं लिया, जितने भी थे ना ये भोपाल के जो एयरपोर्ट के बता रहे थे। अच्छा हाँ, 8 जनों को पकड़ाया था। अच्छा वाह की बात है, मेहनत की खाओ। मैं वाकई इंडियन आर्मी में लगना चाहता हूँ। 5 लाख रुपए मांग रहे हो, घूस किसके लिए? गवर्नमेंट बंदों के लिए। अब वो ठीक है नहीं है, क्यों लेते हैं? अगर ऐसा ही है तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट बंदा हो, जो गवर्नमेंट इसी काम के लिए तनखा देती है भाई, तुम बंदों की वो करो। लेकिन वहाँ दर्शन क्या करते हैं, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, तेरा ये टेस्ट करा दूंगा, फिजिकल मैं करा दूंगा, यहाँ पे मैं करा दूंगा, तब टेस्ट देना। ये कौन सा? मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी इंसान ने किस हिसाब से पैसे इकट्ठा करे उसको किस भाई सुनो, हम गरीब आदमी है, मेरे पास सुनो, हम भी एक नॉर्मल आदमी, इतने ही हुआ नहीं, मेरा फिजिकल क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे से 3 लाख रुपए मांग रहे हैं तेरे को लगाने के लिए। अगर एक टाइम पे मैं टेस्ट क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर टेस्ट करने पर भी बोलते हैं इतना पैसा देगा तभी ज्वाइन होगा, वरना वहाँ पे कोई और एडजस्ट हो जाए। कोई बात नहीं हुई, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पैसे लग रहा है, लेकिन कभी आप गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, सनी और अपनों से नीचे वाले इंसान, कभी उसको पसंद आ गया, कभी किसी बच्चे ने बाप से मदद ले बोला, जिद करी, बाप गरीब है क्या पता कैसे पैसे ला रहा है, वो किस नियत से ला रहा है, उसने आपको ऑनलाइन पैसे डलवा दिए, तो फिर उसकी तो माँ फिर हो जाएगी ना, तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। कोई इतना मेरे बात सुनो, 2-4-5 हजार रुपए में इतना कोई बड़ा काम होने वाला? 2-4-5 हजार नहीं, मेरी बात सुनो, 2-4-5 हजार की बात नहीं है, 2 डाल दो, कोरियर आ गया तुम्हारा, वहाँ पे मैसेज आया है कुछ, तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल राइट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 जने पकड़ा है पिछले साल में इंदौर से। नीतीश अभी भी मेरे न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही है उसकी, इसलिए भैया अपने हाथ पे सलामत है, ऊपर वाले ने सही साथ दिया, तो मेहनत करके कमा के खाओ यार। यार मेहनत देखो, हमने पढ़ाई में अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी, वो चीज मान रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने 2010 में 10वीं करी है, 12वीं 12वीं करी है। तुम गवर्नमेंट का गुस्सा नॉर्मल इंसान पे क्यों निकाल रहे हो भाई? देखो जब अभी यही तो है, अब क्या बोले यार, अब बताओ मैं कर भी क्या सकता हूँ, कोई काम नहीं सीखा, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ ट्रक नहीं के बाद, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये बताओ मैं करूँ क्या, ये बताओ अब आप। अरे मैं आपकी बात मान रहा हूँ, इतना पैसा नहीं है ना जो मैं अपना कर सकूँ, कुछ भी तो नहीं है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा था, उसमें भी कुछ नहीं रहा, इंसान ने जो बना के बैठा तो वो भी लग गया पूरा भाई। बताओ आप मेरे लिए एक ऑप्शन बता दो, आप ये कर लो, ये बताओ घर पे बैठ के भूखे मर जाएं, वो बात भी है, लेकिन मेरी आप मेरी बात समझे। नहीं मैं आपका बात समझ गया, गवर्नमेंट का गुस्सा को उस पर क्यों, तो ये मेरी बात सुनो, हमारी वजह से ही तो, मेरी बात सुनो, हमारी वजह से ही सरकार बनते हैं, क्यों बना रहे हैं ऐसे मादर को, जो मतलब ये नहीं करता। हमने भी वोट डाले थे, लेकिन हमने कांग्रेस को डाले थे, अब आपने बीजेपी को डाले तो फिर देख। नहीं, मैंने बीजेपी को नहीं दिया, मैंने कांग्रेस को ही दिया।
ऐसा नहीं लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान रखो यार उस चीज का। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे। ओके ठीक है, ओके थैंक यू भाई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।